हमको कंपनी से कुछ नहीं मिलता है। मास्क के बारे में तो हमें पता नहीं था उस्ताद, हमें मास्क मिलते नहीं है। ये वाली मिलती है हमें, लेकिन इसमें ना डेस्क फिर भी चला जाता है। न्यूज में बोलता है 60-70 रुपया वाले है, वो वाला मास्क पहनने से सही रहता है। उसके बाद जो है प्रदूषण है, उस हिसाब से सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ होता है, ये लाइन पे तो चलते रहता है। ये सब चीज़ बोल बोल के थक गया, कुछ करते नहीं है। वो सुनते एक कान से दूसरे कान से निकाल देते। मास्क के बारे में तो हमें पता नहीं था उस्ताद, हमें मास्क मिलते नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तो ये होता है, आँख से आंसू निकल रहे थे। लेकिन करें क्या सर, हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हमें सरकारी मिला हुआ है, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका पब्लिक को दे ना, पब्लिक को भी दे तो अच्छा ही है। हमें जो MCD दे रही वही मिलती है, ये वाली मिलती है हमें, लेकिन इसमें ना डेस्क फिर भी चला जाता है। जैसे हम काम करते हैं उसके अंदर से प्रदूषण ज़्यादा हो गया था, उसमें हमें सांस लेने की भी दिक्कत हो रही थी और हमारे गले वले भी ख़राब हो गए थे, अभी भी ख़राब है गला हमारा। मेरे कर्मचारी काम करते हैं और काम करने के बावजूद इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ना ही तो इनके पास बढ़िया से मास्क है, ना ही ग्लव्स दिए जाते हैं, देते भी तो थोड़े लोकल वगैरह दे देते हैं। गवर्नमेंट से हमारे एक साल में ये मिलती है, कभी 6 महीने में मिलती है, क्योंकि मास्क भी खुद हम अपने पैसे से खरीदते हैं। हम मास्क दिए गए थे, अभी वो जो छोटे छोटे 10-10 रुपए के भी नहीं है, हॉस्पिटलों से उठा करके हमको ग्रीन कलर के मास्क दे दिए गए। ये देखो मास्क है, ये सैंपल है, क्या इसमें कोई हवा रुकती है? कुछ भी नहीं होता इसमें। जो कर्मचारी की उसमें सुविधा नहीं है, सांस लेने में कोई वो नहीं होता उसमें, उससे कोई सुविधा नहीं होती है उसमें। यूँ कहते हैं अंदर से धूल मिट्टी, जितने कर्मचारी काम करते हैं, हम रोड पर चलते हैं तो सीधी धूल अंदर ही जाती है। भाई हमें प्रदूषण के बारे में यही है कि हमें मास्क भी बढ़िया दिए जाएं और ग्लव्स हाथ वाले भी दिए जाएं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कम से कम एक सफाई कर्मचारी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम इसकी सुविधा दी जाए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आप जानते हो कि कितना हाई लेवल पोल्यूशन में रहते हैं।